we have on the stage Mr. Subhash Singh, the producer, and director of Chalk and Duster, Mr. Jayant Gilkar. सबसे पहले सुभाष सिंह को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, इसलिए कि ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसलिए कि इतनी सारी महिलाओं को इन्होंने इकट्ठा किया, तो बहुत इसके लिए बहुत गर्व चाहिए। और इसी तरह से जगत जयंत किलास्कर जी को भी मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। ये हम सब लोगों का ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है, जो बहुत एंटरटेनिंग भी है, मेन स्ट्रीम फिल्म भी है, लेकिन इसमें एक सोशल मैसेज भी है। हमारी टीचर्स हैं, उनकी जो दिक्कत है आज के दिन में, उनको क्या क्या होना चाहिए, इसको एक बहुत कमर्शियल और एक बहुत पॉजिटिव तरीके से किया गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जूही जी से मैं पहली बार उनके साथ काम कर रही हूँ, और जरीना जो मेरी क्लासमेट थी फिल्म इंस्टीट्यूट में, उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया था, जीना यहाँ, जो आज से कोई 1000 साल पहले बनी थी। तो 1000 साल के बाद भी हम लोग काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं अपने भाई बाबा आजमी जो अभी है, इनके बारे में मैं जरूर मानती हूँ कि ये तो ऑल ऑफ अस कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट विल बी वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशन। आई गिव द माइक टू यू। हमने जो बहुत कुछ कह दिया, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट एक तो दिस स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लगी टॉक इंडस्ट्री की। सो आई विश फॉर द बेस्ट फॉर दिस फिल्म, एंड द नेक्स्ट थिंग आई से व्हाट अमेजिंग टैलेंट। जो हमेशा हर एक जिंदगी में एक चीज़ याद रहती है, हमारा बचपन और स्कूल के दिन। आई थिंक इस फिल्म के जरिए हम उनको दोबारा से जिएंगे, और मेरी बहुत बहुत फेवरेट तो एक्ट्रेस ज्यादा है जो आपने काम कर रहे थे दोबारा। मेरे लिए बहुत मालूम है, अभी से ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होने वाला है। इसमें जिस राह में आप कदम रखें, आगाजे तमन्ना हो जाए, कश्ती जो उतारे मौजों में, तूफान भी किनारा हो जाए। यस, शाली इज लकी एंड वेरी स्कैर्ड मैन सीइंग द टैलेंट हियर एंड स्पेशली ऑल द लेडीज लीविंग द ब्रिज एंड कमिंग हियर स्कैर्ड एंड नाउ लविंग टोल्ड दैट बाबा शूट्स यू इन वेरी वेल to bribe him now. But honestly, it's a great privilege and honor to be here with excellent script, good vision, and talent from here. And it's a very good day for me because my first film, Renegade, was written by Mr. Rathmas and Toshi. So, Raji, I'm here because of you. Thank you. एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, जैसे आपने सुना ही होगा सबसे, लेकिन इस फिल्म के साथ मेरी बहुत ज़बरदस्त इमोशनल अटैचमेंट भी है, क्योंकि ये फिल्म सुभाष बना रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी फिल्म इंडस्ट्री में, तो मेरा फर्स्ट जो मेकअप आर्टिस्ट था वो सुभाष था। और हम लोगों ने 6-7 साल इकट्ठे काम किया, मेरे भाई की तरह है। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी रहे। जैसे कि जूही जी ने बोला कि हमें बचपन याद आता है, तो मुझे भी अपना बचपन याद आता है। मैं महानालायक स्टूडेंट थी स्कूल की, और मैंने हुशियारपुर करके एक जगह है पंजाब में जहाँ पे मैंने स्टडी की है, और मैं हुशियारपुर के सारे स्कूल्स में पढ़ी हूँ। उसका रीज़न ये था कि मैं अपनी मम्मी को बोलती थी मेरे नंबर्स इसलिए कमाए कि टीचर्स मुझे पसंद नहीं करती। तो जब मैं कॉलेज में गई तो फिर तो मेरे सब्जेक्ट पेंटिंग, डांस एंड म्यूजिक जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे वही हो गए, और फिर तो मैंने अच्छे मार्क्स लिए। लेकिन ये सब्जेक्ट सुनने के बाद जब रंजीत ने मुझे सुनाया तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैं कई बार मैं बहुत इमोशनल हो गई। कुछ ऐसे सीन्स हैं इसमें, जब आप लोग देखेंगे तो आप शायद रो ही उस फिल्म में। तो बहुत बहुत ही खूबसूरत फिल्म है,
और मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करती हूँ कि मैं इस फिल्म में जुड़ी हुई हूँ जहाँ शबाना जी हैं, जूही जी के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा, क्योंकि मैंने जिस फिल्म में भी जूही जी के साथ काम किया वो हमेशा हिट रही है। और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो। और इसमें मेरे सब फेवरेट आर्टिस्ट हैं, जरीना जी मेरे बहुत दिल के करीब, मैं बहुत प्यार करती हूँ, दिव्या जी हैं, सब लोग बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ आए और इस फिल्म को आगे बढ़ाए। Everyone looks great, but the thing is they are all great. Good looking girls here. So, a lot of fun. I'm sorry sir, I'll take care of you. Thank you. All the best. As a woman, यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, क्योंकि the man behind him, I'm very supportive of her career. So, we have our own romance, ये बच्ची है हमारी, and
आई सपोर्ट हर जो स्कूल में जो इशूज चलती हैं बिकॉज एसेंशियल जो स्टोरी है वो स्कूल के बारे में ही है एंड आई सपोर्ट हर इन दैट जर्नी. कोशिश यही रहेगी कि आप कुछ ऐसा कर पाएँ या कर सकें कि लोगों को याद रहे जैसे आपको याद है मुझे याद है. तो मुझे पोटेंशियल लगता है कि जब मैं कोई भी फिल्म या टेलीविज़न के लिए हाँ करता हूँ मैं अक्सर यही देखता हूँ कि लेंथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती है मगर ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट रहता है कि आप उस किरदार में क्या कर सकते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है और उसमें अपना पर्सनल टच ला सकते हैं कि नहीं है. तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी मैं कुछ कर पाऊँगा. देखिए आजकल का दौर थोड़ा बदल गया. पहले फॉर्मूला फिल्म्स होती थी कि ये है हीरो है विलन है कॉमेडियन है मसाला स्विट्जरलैंड गाने के लिए चले गए. मगर आजकल फिल्मों में लंच बॉक्स भी बनती है काफ़ी पैसा बनाती है. विकी डोनर फिल्म बनती है काफ़ी पैसा कमाती है. तो आई थिंक अब दौर में एक जो बड़ा हीरो निकल के आ रहा है वो है कहानी. अगर आपके पास अच्छी कहानी है और आप कहानी बताना जानते हैं तो आपकी फिल्म चलेगी. उसमें आपके पास शाहरुख हो अक्षय हो या फिर कोई और लड़का हो. हाँ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मैंने एक साल ऑफ लिया था. मैं खुद एक कोशिश कर रहा हूँ एक फिल्म माय बर्थडे सॉन्ग जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. एक्सपेरिमेंटल फिल्म है उसके लिए मैंने एक साल काम नहीं किया और 90% फिल्म कंप्लीट हो गई है. कोई हफ्ते भर का काम रह गया और शायद अगस्त में आएगी. तो मैंने सोचा कि हम बड़ा आसान होता है घर में बैठ के नुक्ता चीनी करना घर में बैठ के या थिएटर में बैठ के बोलते अरे ये क्या बकवास है यार ऐसे थोड़े ना होता है यार हीरो थोड़ा करता है ऐसा. मगर मैंने कहा यार इतना बोलने से अच्छा ये है कि आप कुछ करके दिखाइए कुछ बोल के दिखाइए नहीं तो चुप हो जाइए. तो मैंने कोशिश की ऐसी मैंने संजय सूरी मेन हीरो हैं उसके हमने कोशिश की है कि ऐसी फिल्म बनाई जाए जो असल में जो हम खुद पसंद कर सकें और उसमें ज़्यादा जो हमें शिकायतें रही हैं बाकी फिल्मों से उस फिल्म से ना हो. साइकोलॉजिकल फिल्म मुझे एक्चुअली हुआ क्या था मैंने लाइट ऑन है क्या हाँ हुआ क्या कि मैंने कोई 4 साल पहले ये कहानी लिखी थी माय बर्थडे सॉन्ग और करण जौहर जो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं मैंने उनके पास गया क्योंकि मुझे लगा कि खुद ही लिख के खुद अपने आप तारीफ करना सबको होता है अल्लाह को अपनी जलेबी खानी हमेशा अच्छी लगती है. तो मैंने करण को सुनाई फिल्म स्क्रिप्ट तो करण ने बोला समीर यू हैव टू डायरेक्ट. तो काफ़ी सालों से लोग बोल रहे थे मेरे को पता नहीं क्यों मेरे एक्टर्स दोस्त यार तो अच्छा डायरेक्टर बनेगा यार कहाँ फंसा मेरे को मैं तो एक्टर हूँ. मगर मुझे भी इसी बात की डर था कि कैमरे के आगे होना और कैमरे के पीछे आने में कितना फ़र्क रहता है. मगर जब मैं कैमरे के पीछे आया मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि आपका मेन इंटरेक्शन एक्टर्स के साथ होता है. तो मैं 15-18 साल से ही काम कर रहा हूँ मुझे मालूम है कि एक्टर्स कैसे सोचते हैं उनका फ्रेम ऑफ माइंड क्या होता है उनसे कैसे बात करनी है कैसे इंटरेक्ट करनी है. तो जो कुछ 18 साल का एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर वो सब काम आया और सब खुश थे मुझे बड़ी खुशी हुई. कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैंने खुद कोई गेस्ट अपीयरेंस नहीं किया है कुछ नहीं किया है बस ये था कि कुछ करेंगे साथ और बहुत मज़ा आया. जी मैं टॉपर थी अब और मुझे लगता था कि मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी कॉलेज तक और सबको मेरे घर में सब डॉक्टर्स हैं तो सबको लगता था ये बहुत पढ़ लिख के IAS कुछ करेगी बट आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर मैंने किया तो मैं उस मामले में बहुत पढ़ी लिखी हूँ और आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ इट. एब्सेंट
और एक बात ये भी थी कि मैं हमेशा स्कूल में और कॉलेज में हेड गर्ल थी, तो एब्सेंट होने की ज़्यादा चॉइस होती नहीं थी। एक बार बंक मारा था और पूरी क्लास को करवा दिया था बंक, और प्रिंसिपल से डांट पड़ने के लिए सब गए थे क्योंकि हेड गर्ल थी। लेकिन वो स्माइल जो है वो मेरी हमेशा शायद काम आ जाती है, तो स्कूल से वो स्माइल काफ़ी काम आ रही है। सो दैट हेल्प्स मी। एजुकेशन आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए बहुत मदद करती है। आप किरदारों के बारे में पढ़ सकते हैं और बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो नेचुरल टैलेंट होता है, जो एक पैशन होता है, जो एक शौक होता है आपको कुछ करने का, उससे बड़ा उससे बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस और कुछ नहीं। मेरी बहुत ही फेवरेट दो एक्ट्रेसेस हैं इस इंडस्ट्री में, और मेरी बहुत ही दो फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं इंडस्ट्री में, शिवाना जी और जुबली, और दोनों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ अलग अलग, और दोनों के साथ एक साथ काम करना मतलब मेरे लिए एक पिकनिक हो जाएगी। रोल की बात अगर आप करेंगे तो ये मेरा पहला नेगेटिव रोल है, और बहुत आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी शिवाना जी भी कह रहे थे कि हमारे दोनों के सीन बहुत ऐसे वो हैं, सो यस आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, और अब शायद मेरा मोटिव भी है कि वही करूँ जो पहले नहीं किया है। सो इतने दिग्गज कैरेक्टर दो एक्ट्रेसेस के साथ में इतना स्ट्रॉन्ग रोल होना आई थिंक इज़ अ ग्रेट थिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। कंटेंट सबसे बड़ा, क्योंकि जब कहानी अच्छी होती है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, आपका डायरेक्टर अच्छा होता है, तो लोग खुद ब खुद देखने जाते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग होना वो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों तक पहुंचना कि एक अच्छी फिल्म है उसे ज़रूर देखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आई थिंक द रेस्ट कम्स लेटर ऑब्वियसली। मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अभी ट्रैफिक आएगी फॉक्स की फिल्म है मनोज वाजपेयी प्रसन्नजीत के साथ, फिर उसके बाद में आएगी नितिन कक्कड़ की फिल्म फिल्मिस्तान राम सिंह चार्ली, और उसके बाद आएगी श्याम बेनेगल की अगली फिल्म, एंड देन आई एम डूइंग अ फिल्म विद अभिनव देओल विद इरफान एंड कुणाल, एंड और भी दो फिल्में हैं जो मैं नहीं बात।